फाइनली दोस्तों इंडिया में नोट 10 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें तीन फोन आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो पहला फोन है वह है रेडमी नोट 10, दूसरा है रेडमी नोट 10 प्रो और तीसरा है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। सो दोस्तों इसमें जो तीनों फोन है इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी आपको अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। प्रो और प्रो मैक्स है उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो आप इस फोन के बारे में सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोन के हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो नोट 10 है, जो Redmi Note 10 है उसमें आपको 6.43 इंची का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है और साथ में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। दोस्तों इसके फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और बात करें यहाँ पर Note 10 Pro और Pro Max के बारे में तो आपको 6.67 इंची का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज के साथ आता है। इसमें आपको फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। बात करें अगर नोट 10 के बैक में तो आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, लेकिन जो नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स है इसमें आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इस फोन के चिपसेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो Redmi Note 10 है इसमें 678 का प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। यह एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और यह 11 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों यह जो फोन है 4G फोन है, यहाँ पर कोई आपको 5G फोन देखने को नहीं मिलता है। और बात करें Note 10 Pro और Pro Max में तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर है 732G का, जो कि यह भी एक 4G प्रोसेसर है, इसमें आपको 5G प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फोन है यह 4G फोन है। अब दोस्तों बात करते हैं इस Note 10 सीरीज के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर जो Redmi Note 10 है इसमें आपको कैमरा मिलता है, 4 कैमरा मिलता है, जिसमें कि जो मेन सेंसर है वह है 48 MP का और 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें Note 10 Pro के बारे में तो यहाँ पर जो 2 MP का माइक्रो सेंसर है वहाँ पर आपको 5 MP का सेंसर इस्तेमाल किया गया है। अगर हम सीरियल वाइज बात करें तो यहाँ पर 64 MP का मेन सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 MP का माइक्रो सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। यहाँ पर बात करें Note 10 Pro Max के कैमरा सेटअप के बारे में तो 108 MP का मेन सेंसर मिलता है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 5 MP का आपको माइक्रो सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। सो दोस्तों ये था Note 10 सीरीज का कैमरा सेटअप। यहाँ पर बात करें तो कैमरा फीचर में आपको सारा कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अच्छा खासा फोटो ले सकते हैं और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप काफी हाई रेजोल्यूशन में कर सकते हैं। अब हम बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में तो जो Redmi Note 10 है उसमें आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि फोन के बीच में पंच होल कैमरा सेटअप है। और बात करते हैं Note 10 Pro और Pro Max में तो आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि वो भी सेंटर में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। सो दोस्तों यहाँ पर Redmi क्लेम करता है कि जो इनका जो पंच होल कैमरा है वो सबसे छोटा कैमरा आपको सेटअप देखने को मिलता है। अब बात करें इस फोन के हम फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में तो आपको इस फोन के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि आपको पावर बटन में इंक्लूड मिलेगा। यहाँ पर इन तीनों फोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, यानी कि फोन के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको स्पीकर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस Note 10 सीरीज के बैटरी के बारे में तो यहाँ पर जो Redmi Note 10 है उसमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और जो Note 10 Pro और Pro Max है उसमें आपको 5020 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। इन सभी में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और आपको बॉक्स में भी 33W का फास्ट चार्जिंग अवेलेबल कराया गया है। फोन के हम वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 200 ग्राम से नीचे है, यानी कि 192 ग्राम के लगभग यह फोन आता है। इस फोन के OS के बारे में बात करें तो यहाँ पर Android 11 OS मिलता है और आपको MIUI 12 का सपोर्ट मिलता है। जल्द ही इसमें MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा। इसमें एक खास फीचर भी ऐड किया गया है, जैसे कि आपको जो सिस्टम में आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है पहले से आप उसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो यह अपडेट आने के बाद आपको यह चीज मिलेगा। अब दोस्तों इस Note 10 सीरीज के प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Redmi Note 10 के प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जो फोन लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस है 11,999 रुपया।
यहाँ पर 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जो फोन लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 13,999 रुपया। अब दोस्तों हम Redmi Note 10 Pro के प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जो फोन आता है उसका प्राइस है 15,999 रुपया। और यहाँ हम बात करें जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जो फोन आता है उसका प्राइस है 16,999 रुपया। अब बात करते हैं जो फोन आए हैं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ उसका प्राइस है 18,999 रुपया। अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max के प्राइस के बारे में, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जो फोन आता है उसका प्राइस है 18,999 रुपया। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस आता है वह है 19,999 रुपया। अब फाइनली दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जो फोन आता है उसका प्राइस है 21,999 रुपया। सो दोस्तों इन सारे स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ यह फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जितने भी 10 सीरीज के फोन है आपको 5G देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक फोन नहीं हुआ है। जैसे कि अगर इंडिया में होता है कि अगर आप कोई भी फोन खरीदते हैं तो 2 या 1.5 साल यूज करते हैं, पर दोस्तों 1.5 या 2 साल में 5G आ सकता है या लॉन्च हो भी सकता है, तो आप 5G का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं जल्दी से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 11,999 रुपए से लेकर आपको 20,000-21,000 के रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और आपको 64MP कैमरा, 108MP कैमरा और 48MP कैमरा, इन सारे सेटअप के अनुसार देखा जाए तो यह फोन काफी अच्छा लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों अगर इस फोन के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर ऑन कर दें ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।